हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोनू कुकिंग बैंक में। तो फ्रेंड, आज हम जा रहे हैं बनाने मटर और चने की सब्जी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, स्पेशली चावल के साथ खाने में। तो यहाँ पे मैंने रात भर के लिए मटर और चने भिगो कर रख दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुकर में मैं डाल रही हूँ। यहाँ पे 3 से 4 सीटी आप लगा दोगे इसको तो बहुत ही अच्छे से उबल जाती है, क्योंकि ये मटर का सीज़न नहीं इस टाइम पे। तो अब पैकेट वाले मटर थोड़ी टाइम लगता है उबलने में, जो हमारी मटर जब सीज़न आता है सर्दियों का, उस टाइम पे बहुत जल्दी उबल जाती है। कच्ची मटर रहती तो ये पकी हुई मटर है, तो इसको उबालने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इस तरीके से भिगो कर रखने, इसमें थोड़ा सा नमक अगर हम डालेंगे, करीब 2 से 3 चुटकी, तो ये बहुत जल्दी से उबल जाता है नमक की वजह से। इसको अब 4 सीटी जब तक उबल रही है ये, तब तक यहाँ पे हम प्याज काट लेंगे। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी साइज़ में 4 प्याज लिया है मैंने। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम, बड़े बड़े पीसेस में कटिंग करेंगे। फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आपको सब्जी पसंद आई कि नहीं पसंद आई। वीडियो को सबसे पहले पूरा वॉच करने के बाद ही कमेंट करें, कमेंट जरूर से जरूर करें, जिससे आपका रिव्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे, 1 चम्मच के करीब। उसके बाद अच्छे से प्याज को हम भून लेंगे लाल होने तक, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस लाल होने तक ही प्याज को भूनना है। आप चाहो तो कढ़ाई की जगह पे तवे पर भी भून सकते हो इसको, लेकिन मैं यहाँ पे दूसरा बर्तन नहीं यूज़ करना चाहती थी, इसलिए मैंने कढ़ाई में ही भून लिया है। अब इसको कढ़ाई को थोड़ा सा धुलना पड़ेगा मेरे को, और तब तक मैं प्याज को यहाँ पे ठंडी कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे इसको मिक्सी में निकालना पड़ेगा, इसलिए प्याज को ठंडा करने के लिए रख दिया साइड में। और यहाँ पे हमारी 4 सीटी लग चुकी है, तो हमारा मटर और चने दोनों उबल चुके हैं बहुत अच्छे से, आप देख सकते हो। पहले मैं चने को दिखा रही हूँ, चना बहुत अच्छे से उबल गया, मटर भी उबल चुकी है। मटर थोड़ी सी, मतलब कि 90% तक हो चुकी है, 10% बाकी है जो हमारी सब्जी के साथ हो जाएगी। यहाँ पे हमारी प्याज भी ठंडी हो चुकी है, अब इसको हम मिक्सी जार में निकाल लेंगे। इसका एकदम बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं निकालना है, और बहुत ज़्यादा जाड़ा भी नहीं रखना है, मतलब कि मीडियम में रखना है आपको। तो यहाँ पे चलिए हम मिक्सी में प्याज को निकाल लेते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको निकालेंगे। तो अभी हम यहाँ पे मिक्सी में निकाल लेते हैं प्याज को, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा जाड़ा भी नहीं है। अभी हम आपको दिखाएंगे जब इसका मसाला बनाएंगे तब। तो यहाँ पे मैंने करीब से करीब बड़े चम्मच से 2 चम्मच तेल भर भर के डाल दिया है, और हमारी पहले सबसे पहले हम जो चने मटर उबाले थे उसको हल्का सा यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए हम तेल में डाल के निकाल लेंगे। इसीलिए यहाँ पे मैंने तेल थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, क्योंकि इसका जब तेल में इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे ना, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप वैसे उबाले हुए भी डाल सकते हो लास्ट में, पर उतना टेस्ट नहीं अच्छा आएगा जितना कि इसको थोड़ा सा तेल में पका दोगे जब आप, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम इसको बस 2 मिनट के लिए पकाने के बाद इसको निकाल लेंगे एक अलग बर्तन में तेल से, क्योंकि आप देख सकते हो अब इसमें पानी है थोड़ा सा। बस 2 मिनट के लिए मैंने इसको तेल में डाल के पका लिया है, और उसी कढ़ाई में हम यहाँ पर डालेंगे अदरक लहसुन का सबसे पहले पेस्ट, उसके बाद कड़ी पत्ता, उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे जीरा करीब 2 चुटकी। उसके बाद खड़े मसाले में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो आपके पास खड़ा मसाला हो, सारी चीज़ें। तो यहाँ मैंने आपको दिखाया नहीं है, लेकिन सारे खड़े मसाले मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, जैसे खड़ी धनिया हुआ, दालचीनी, खसखस इत्यादि। तो यहाँ पे साइड में मैं मसाले निकाल रही हूँ, यहाँ पे धीमी आँच पे सबसे पहले मैंने साइड में कटोरी रखा है, उसमें अपने टेस्ट के अनुसार आप जैसे तीखा खाते हो उस हिसाब से लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और उसके बाद थोड़ा सा उसमें हम पानी डालेंगे, जिससे कि जब हम इसको तेल में डालेंगे तो ये जले ना मसाला, तो इसलिए थोड़ा सा पानी डाल के ही आप मसाले को डालें, और इससे बहुत अच्छा ही कलर आता है। जब आप पानी के साथ इसको डालते हो तो मसाला जलता नहीं है, इसलिए कलर बहुत ही अच्छा आता है। और सबसे पहले मसाला डालते वक्त या तो आप गैस को बंद कर दो, या तो एकदम धीमा रहे आपका आँच, गैस की फ्लेम बहुत धीमी होनी चाहिए। इस तरीके से आपको डाल के तेल में इसको थोड़ा सा चला देना है। ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है फ्रेंड, चावल के साथ एक बार आप बना के ज़रूर खाइए। तो फ्रेंड, मसाले को धीमी आंच पे करीब से करीब 3 से 4 मिनट तक आपको पकाना है। उसके बाद जो आपका मसाला थोड़ा सा सूखने लगेगा, जब मसाले का पानी ख़त्म होने लगेगा, तब यहाँ पर आप पिसी हुई प्याज को डाल देना। उसके बाद क्योंकि पिसी हुई प्याज जब डालोगे आप, तो इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा पानी बढ़ जाएगा, तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे से मसाला भी, मतलब प्याज भी हमारी भुनी जाएगी फिर एक बार इसमें तेल में, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे धीमी आंच पे ही पकाना है सारी चीज़ें, क्योंकि प्याज भी आप धीमी आंच पे जब आप पकाओगे ना, तो प्याज में भी बहुत ज़्यादा टेस्ट आने लगेगा आपकी सब्ज़ी में। तो इसको धीमी आंच पे जब तक तेल ना अच्छे से छोड़ दें, आप देख सकते हो तेल हमारा अच्छे छोड़ रहा है, क्योंकि हम इतनी बड़ी वीडियो डाल नहीं सकते, इसलिए छोटी मतलब कि कटिंग करके वीडियो डालनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा मसाला भून चुका था अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे जो मिक्सी में बचा हुआ था, लगा हुआ था, उसमें पानी डालकर हम इसमें डाल दिए हैं। इसको धीमी आंच पे ही पकाना रहता है आपको मसाला। उसके बाद जब ये थोड़ा सा पक जाएगा मसाला आपका, थोड़ा सा पानी डाल देना आप जितना आपको चाहिए,
थिकनेस सब्जी की, उस हिसाब से आप पानी डाल देना। उसके बाद यहाँ पे मटर और चने उबले हुए डाल देना आप यहाँ पे, और अपने टेस्ट के अनुसार आप यहाँ पे पानी और नमक डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी थोड़ी सी ठीक है, मुझे थोड़ा सा पानी और इसमें ऐड करना है क्योंकि चावल के साथ खाना है फ्रेंड तो बहुत ज़्यादा ही ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा हमें इसमें पानी ऐड करना है बस, ज़्यादा नहीं। अभी आप देख सकते हो धीमी आंच पे उबल रही है, तो इसमें मैंने टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया है। उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड किया है, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि अभी ये उबलेगी, तो जितना पानी मैंने डाला है वो पानी इसमें सोख लेगा, मतलब कि बराबर थिकनेस इसकी आ जाएगी। अभी आप इसको ढककर बस 2 मिनट के लिए आपको पकाना है क्योंकि पानी आपका पक जाए, बाकी सारी चीज़ें आपकी पक चुकी है। तो 2 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे ढककर। उससे पहले हम यहाँ पे डाल देंगे हरी धनिया कटिंग करके, तो बस इसको हम 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। तो इससे पहले मैं अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ हरी धनिया को, जिससे कि फ्लेवर अच्छे से चारों तरफ सब्जी में आ जाए। तो यहाँ पे ढक के 2 मिनट हमारा हो गया है, धीमी आंच मैंने कर दिया है एकदम। अभी यहाँ पे गैस भी बंद कर दिया मैंने और हमारी सब्जी हो गई है रेडी। अब मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ कि कैसी हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। आप देख सकते हो कितना अच्छा टेस्ट और कलर आया है इसमें, तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा, मतलब खाने में बचा ही नहीं था बिल्कुल भी सब्ज़ी की, हमारे घर में सब्ज़ी बच जाए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो आप लोग एक बार ज़रूर बनाइए और खाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मटर और चने की सब्ज़ी कैसी लगी। आप देख सकते हो उसका कलर कितना अच्छा आया है। ये मैंने थोड़ा सा निकाल के साइड में रख दिया है, जो बची हुई सब्ज़ी उसको दिखा रही हूँ मैं, बाकी का इधर है। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है फ्रेंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को। बाय बाय एंड टेक केयर।